दरवाजे खलिया द्वार। तो जस्ट मेरे पीछे है खलिया द्वार का गेट। और आज किस्मत भी अच्छी है, धूप बहुत बढ़िया आई है, सब्र का फल मीठा होता है। अब चलते हैं खलिया टॉप। यहाँ से स्टार्ट है खलिया टॉप का रास्ता। सबसे पहले आपको यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी और डंडे भी लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से खलिया टॉप 6 किलोमीटर है। चलो चलो, ये है आपका खलिया टॉप 6 किलोमीटर। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जिस चीज़ के लिए मैं मंशारी आई थी, आप देखिए खलिया ट्रैक है हमारा। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, बट मेरी बहनों का 3rd और 2nd टाइम है। तो खलिया टॉप हमारा 6 किलोमीटर है। यहाँ से मेन गेट से खलिया टॉप है 6 किलोमीटर। और कुछ बातें इसमें लिखी हुई, ऐसा लग रहा है खलिया टॉप अच्छा लग रहा है। चले फिर, मैं तो सेकंड टाइम। हाँ यार, तुम्हारे मज़े हैं, यहाँ तो किस्मत ख़राब है। लेकिन किस्मत तो हमारी अच्छी है, आज हम 4 दिन से प्रोग्राम करें जाएंगे जाएंगे। आज देखो धूप भी इतनी अच्छी आई है। बलाती बैंड दी बना के लाइए चाय। और पियो भाई चाय, देखिए ये सब आगे कट ऑफ ट्रैक। मैं यहाँ देखो चाय पीते हुए ठंडी ठंडी। और अभी हम लोग पहुँचे हैं 1 किलोमीटर। आओ बहनों, लेकिन रास्ता तो बाप रे। ये इतने प्यारे प्यारे फूल लगे खलिया टॉप में। फाइनली हम TRC पहुंच गए और हमारे पीछे कैंपिंग कर रखी है, टेंट लगा रखे हैं छोटे छोटे। अब पीछे यार तो पूरा कोहरा कोहरा हो गया, लेकिन मौसम तो यहाँ कोई खेल नहीं है, कभी कोहरा तो कभी एकदम साफ हो जा रहा है। अब इससे ऊपर 3 किलोमीटर और है ना, TRC से ऊपर है आपका 3 किलोमीटर। देखिए व्यू, रप्ता मतलब के अच्छा भ्रांस की प्रजाति। इसमें एक गाना बना हुआ लसपाल, ऐसा कुछ है गाना। तो हम लसपाल लोग के साथ जा रहे हैं बुझानी, क्या है अभी कौन से बेस कैंप, बुझानी बेस कैंप। मिले हैं हमें भैया जी, तो अब इनसे कुछ पूछते हैं हम। बताइए आप, हयात गिरी। हाँ जी, आप यहाँ के बारे में बताइए कुछ अच्छा सा, अगर मतलब क्या है यहाँ पे खलिया टॉप में मेन खलिया टॉप में नंबर एक वो है पक्षी। हाँ जी पक्षी, वो मतलब जिभी बिना नहीं वो कोनो ना तो मैं बाघा में जो नंबर मल में जाला जो थार थरिल ने सने होय कमने कमने उले टपकी जनान यो
कस्तूरी हॉस्टल। अच्छा कस्तूरी मृग। और घुरर। घुरर हाँ लोकल। ऐसे जानवरों के लिए ये जगह है। यहाँ आप कहाँ जा रहे हो अभी? हम बकरी के साथ आ रहे हैं। अपनी बकरी है यही पर ऊपर सामने ऊपर पे। तो यहाँ पे आप कुल कितने साल से काम कर रहे हो? मुझे वैसे ही हो गया 12-13 साल। 12-13 साल जी 13 साल हो गए मुझे। तो काफी अच्छा लगता होगा आपको यहाँ ना? ठंडा अच्छा ठंडा। अब तो डेली का हो गया आपका? डेली रहना। 6 महीना यहाँ हुआ, 6 महीना घर हुआ। घर कहाँ है आपका? वही यही मालूमाती है जहाँ बराड़ी मंदिर का थे, उसी गांव में होगा। उसी गांव में होगा। चलिए तो आपके साथ हम चलते हैं भेड़ बकरी के साथ। अगर मिलेगा तो भेड़ बकरी हमें अभी बाद है या फिर छोड़ रखे ऊपर जंगल में? मिल सकते हैं सर। अच्छा अच्छा उस साइड होंगे। अब यहाँ से ऊपर कितना होगा? और यहाँ से ऊपर अभी होगा 2.5 किलोमीटर होगा लास्ट जीरो टॉप। वोले उसके डर आज 2.5 किलोमीटर। चलो अच्छा एक्सपीरियंस है आपके साथ। और चलिए फिर चलते हैं ऊपर को। चलो माठू मार चलते हैं। बारिश तो बहुत तेज आती है ना? बहुत तकड़ा बारिश हो गया। बुग्याल मतलब बुग्याल बुग्याल वो अपना एड्रेस देने वाला था। ये घास किस काम आता बताया आपने? ये घास किस काम आता बताया? जब 14 साल राम में वनवास हुए ना, हाँ जी, उनका झोपड़ी बनाने वाली घास है। अच्छा उठाया गया है। और वो वाला जो होता है पत्ती पत्ती वो हुआ उसमें चित्तपत्र दिखने वाला चित्त। हाँ भोजपत्र। और भोजपत्र में वो अपना एड्रेस देने वाला था तब के जमाने देवती में देवता लोगों को देने वाला। अच्छा अपने अपने गुरु जी हमारे गुरु बैठे गुरु जी उनका भी जानी पता ना लगा भोज भोज पत्र। अच्छा भोज पत्र। हां वो हर कोई दवा काम आता है। हां जो बच्चों के गले में गले में बीज नहीं बनाते हैं। हां बीज उसके अंदर सारा भोज पत्र जाता है। अच्छा फिर बाहर से सारा खेत के बाद आओ मेन लगा। हां काले कपड़े में और कपड़े कपड़े हो जे मारो जाए मैं मनुष्य क्यों जैसे कहीं सरकार लोग सरकार होता ना कहीं बाहर में कहीं भी जादू तो जिसके जेब में भूत पत्र नहीं वो कौन कौन का पत्ती होगा। हाँ। वो साफ साफ देखेगा। अच्छा हाँ ऐसा होता है। ये तो मंचार की खासियत हमारी। हाँ बड़े मंदिर को नंदा अष्टमी जब मंदिर नंदा अष्टमी होगा। हाँ उसी दिन वो फूल को टीपने उसी दिन पूरे साल में एक बार एक बार। वो भी नहा धो के बिल्कुल भूखा जाना वहाँ नंगा पैर का और नंगा पैर के घर आना फूल टीप के मंदिर में रखने के लिए। अच्छा अच्छा उससे पहले जो आगे टीप उसको उखाड़ देगा वो आदमी गया। अच्छा उसका जो भी ये बकरी हकड़ी जो भी होगा वो भी गया। बाप रे के साथ। हाँ ऐसा होता साक्षात है भगवान मंचारी। यहाँ से भी जाते हैं उधर हीरामणि गली समा होता है। जीरो पॉइंट से आगे कोई गया आज तक नहीं गया होगा ना? हम तो गए लेकिन ऊपर पहाड़ में तो नहीं गए। हाँ। यहाँ से तो रास्ता हुआ नामी दानपुर पहुँचोगे यहाँ से जाएगा। यहाँ से भी रास्ता नामी का? हाँ वो नामी वाले कली जो आए। अच्छा, कोई मिला होगा तुमको रास्ते में? मिला अभी तीन आदमी एक एक छोटा सा लड़की होगा। हाँ, नीचे एक लड़का होगा। हाँ। बहनों से पूछती हूँ कि इन्हें आज का ट्रैक कैसा लगा? बेचारे मेरे चक्कर में लोग दूसरे तीसरी बार आ गए तो पूछती हूँ इनको मैं। बताओ कैसा लगा आपको? मेरा दूसरा है। कैसा है? ठीक रहा। सुबह मौसम खराब हुआ था, अभी बहुत अच्छा हो रहा है। 0 पॉइंट साफ हो रहा है।
अच्छा लगा। तीसरी बार मेरी बहुत हालत खराब हो, पर योजी की बहुत हालत खराब हो रही है, लेकिन दोनों मेरे से आए तो थैंक यू दोनों को। मेरा तो खैर फर्स्ट टाइम है। अब दीदी ने इतना अच्छा लंच बनाया, चिकन और रोटी चाय। तो अभी हम देते हैं मजे लंच के, और सामने है जीरो पॉइंट, अभी हमें वहां तक जाना है। मुकुजिया जी की चाय फिर से शुरू हो गई, गर्मा गर्म चाय। और इसमें हम अपना डेस्क पूरा भी साथ लेके जाएंगे। दिखाओ अपना बैग, पूरा बैग हमारा सब पूरे बैग में डाल रखे हैं हमने। वेरी गुड। ये है जो पर्यावरण दिवस मनाते भी है और फॉलो भी करते हैं। कुछ भी लेके आते हो अपने लिए, खाने का सामान प्लास्टिक में, अपने साथ लेके जाए। ये देखो, ये हमारा, दिखाओ अपना कूड़ा। यस, धन्यवाद। तो अब चाय के मजे लो, ठंडी हवा में चाय के मजे।